नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोरोना वायरस। यस, आई नो आप लोगों ने बहुत बार कोरोना वायरस के बारे में सुन लिया, उसके बारे में न्यूज देख ली, समझ लिया कि भाई ये फैल रहा है, ये है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपने जितनी न्यूज देखी है उसमें से एक्चुअली ज्यादातर न्यूज जो गलत इंफॉर्मेशन बता रही है उसके बारे में आपको नहीं। यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट द फेक न्यूज विच इज गोइंग ऑन अराउंड कोरोना वायरस। और एक्चुअली बहुत सारी फेक न्यूज है एंड देर आर सम मिथ्स एंड देर आर सम ट्रूथ अबाउट कोरोना वायरस। सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग कि मिथ क्या है उसका और ट्रूथ क्या है उसकी, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है कोरोना वायरस के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। एंड अगर आप कोरोना वायरस के न्यूज देखेंगे, कोरोना वायरस के बारे में आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अनगिनत आर्टिकल्स है, राइट? सो रिमेंबर देर आर सम सर्टेन ट्रूथ एंड सम मिथ्स जो आ रहे हैं, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोरोना वायरस इज अ वायरस, इट्स अ फ्लू लाइक वायरस। जैसा फ्लू का वायरस है वैसे ही वो वायरस है, जैसा कॉमन कोल्ड का वायरस है वैसा ही कोरोना फैमिली से आया हुआ वायरस है। एंड द क्वेश्चंस आर कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन दिस वायरस बी ट्रांसमिटेड अमंग ह्यूमंस? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, एब्सोल्युटली है, लेकिन क्या ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है? अभी ये प्रूवन नहीं है। तो किसी और एनिमल को, किसी भी एनिमल्स को जो आपके आसपास, इवन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, ईटिंग योर नॉन वेजिटेरियन फूड विल नॉट कॉज कोरोना वायरस। राइट नाउ देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस कि किसी भी प्रकार के नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस हो जाएगा। दैट इज अ मिथ। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आपके सलाइवा से हो रहा है, आपके थूक से हो रहा है, आपके टच से हो रहा है। इसको टच करके हाथ को भी टच करोगे, कहीं भी टच करोगे, वहां उस सरफेस को किसी ने टच कर दिया तो भी हो सकता है। सो खाने से कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट इन द चिकन, इट्स नॉट इन दिस फिश, इट्स नॉट इन द एग्स, इट्स नॉट इन द नॉन वेजिटेरियन। सो सम पीपल आर यूजिंग दिस एज अ यू नो ऑब्जेक्ट, एज अ एजेंडा कि नॉन वेजिटेरियन के खिलाफ अपने मुद्दे उठाएं। सो आई डोंट लाइक दैट एंड दैट्स व्हाई ट्रूथ सामने आना, खाना नहीं खाना आपकी मर्जी है। फर्स्ट थिंग इज दैट। द सेकेंड मिथ इज कि क्या कोरोना वायरस का कंफर्म्ड क्योर है? नो, देयर इज नो कंफर्म्ड प्रिवेंशन, देयर इज नो कंफर्म्ड क्योर। इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, कोई ये कहता है कि इसकी एक बूंद ले लेंगे तो कोरोना वायरस कभी नहीं होगा, राइट? कोई कहता है कि सिर्फ सिर्फ नींबू खा लो, सिर्फ सिर्फ ये कर लो, सिर्फ सिर्फ पानी पियो तो कोरोना वायरस नहीं होगा। नहीं, तब भी होगा, तब भी हो सकता है कोरोना वायरस अगर होना है, बिल्कुल जैसे सर्दी खांसी होती है। सर्दी खांसी जिसको होनी है वो कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में आएगी या आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने की कोशिश आप कर सकते हो। यू कैन ट्राई टू मेक इट स्ट्रांग बाय ईटिंग वेल, बाय स्लीपिंग वेल, बाय एक्सरसाइजिंग, ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड्स, वो सारा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स बहुत सारे होने चाहिए, अच्छी मात्रा में पानी होना चाहिए, नारियल पानी जैसी चीजें पी सकते हो इफ यू आर डिहाइड्रेटेड। सो यस दे आर देयर, बट दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कि वो करोगे तो नहीं होगा। या कोई एक आयुर्वेदिक दवा खा ली, कोई एक होम्योपैथिक दवा खा ली, कोई एक एंटीवायरल खा लिया। सो पीपल आर प्रमोटिंग दिस इन टिकटॉक, इन इंस्टाग्राम, उल्टे सीधे भाई हमारी एक गोली है, इसको ऑर्डर करने के लिए ये इतने पैसे दीजिए, गलती से पैसे मत देना, गलती से ऐसी चीजों पे भरोसा ना करें। सो देयर इज नो कंफर्म्ड क्योर बिकॉज वायरल इन्फेक्शंस डोंट नीड अ क्योर, आपकी बॉडी खुद मार देती है उसको। 80% ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट जिनको इन्फेक्शन हो जाएगा कोरोना वायरस से, इसी नोवेल कोरोना वायरस से, उनको कुछ नहीं होगा। ओनली 20% जो होंगे वो बीमार होंगे। 20% में से भी बीमार जो होंगे उनमें से भी अभी तक जो डॉक्यूमेंटेड केसेस है सिर्फ 2% में डिजीज ऐसी सिवियर हो रही है कि हॉस्पिटलाइज हो पा रहे हैं और जान को खतरा हो रहा है, ये भी उतने जितने पकड़ में आए हैं। सोचो 80% तो में से कितने परसेंट पकड़ में नहीं आए होंगे, तो कितनी कम मात्रा होगी डेथ रेट की। इससे कहीं ज्यादा मात्रा में डेथ हो जाती है फ्लू के वजह से ओवर द वर्ल्ड हर साल, कॉमन फ्लू के वजह से। जी हाँ, कॉमन फ्लू के वजह से भी निमोनिया होकर डेथ हो जाती है लोगों को। फिर वो हम बोलते हैं निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, लेकिन होता वो टूट स्टार्ट वो वायरल फ्लू होता है, वायरल निमोनाइटिस। सो यस, इट इज अ डेंजरस डिजीज, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि जिसको होगा मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
एंड देर इज नो फोक मेडिसिन और किसी भी कंट्री की किसी भी तरीके की जो उसको 100% क्योर कर दे. सो डोंट इवन राइट उस मिथ में भी प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट ऑल्सो राइट. और कई लोग कहते हैं वेरी वेरी कोरोना वायरस इज नॉट डेडलियर देन द फ्लू राइट. कोई कहता है इफ यू डोंट हैव एनी ऑब्वियस सिम्टम यू कैन नॉट गेट इन्फेक्ट, यू कैन नॉट इन्फेक्ट अदर्स. ऐसा भी नहीं है. ए सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन हो सकता है, ऐसे पर्सन जो 80% जिनको पता भी नहीं चलेगा उनके अंदर कोरोना वायरस है वो भी फैला सकते हैं. दैट्स ट्रू यस. सो ए सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल. सो इस केस में रिमेंबर कि आपको बेसिक अपने हैंड वॉशिंग पे ध्यान देना पड़ेगा. द प्रिवेंशन इज हैंड वॉशिंग. एंड कोई कोई कहेगा कि वेयरिंग अ मास्क विल प्रिवेंट, मास्क पहन लिया तो प्रिवेंट हो जाएगा. नहीं, मास्क इज नॉट अ श्योर शॉट वे. वाई? बिकॉज मास्क के गैप से भी वो जा सकता है. तो इफ द मास्क इज नॉट वेल फिटेड तो भी कोरोना वायरस जा सकता है. प्लस ऐसा भी नहीं है कि ये N91 वो वाले मास्क पहनोगे तो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन स्टिल हैव इट इफ यू आर नॉट वॉशिंग द हैंड. मास्क उतारने के लिए लिया फिर लग गया. सो देर इज अ ऑलवेज चांस ऑफ हैविंग अ कोरोना वायरस इन्फेक्शन. यू कैन डू इज इंक्रीज योर इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करो, हैंड वॉश करो, सब करें. हैंड वॉशिंग इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये याद रखिए. हैंड वॉशिंग हाइजीन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर्जिकल मास्क इज एन एडिशनल बेनिफिट बट इज नॉट अ फूल प्रूफ वे राइट. सो जरूर पानी खूब सारा पीना है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे. एंड दैट इज अ मिथ कि ऐसा कुछ होगा. देन कई लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप फ्लू शॉट ले लोगे, अगर आप फ्लू शॉट फ्लू की वैक्सीन ले लोगे तो आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा. ये भी गलत है. फ्लू शॉट डिफरेंट इन्फ्लुएंजा वायरसेस के लिए है, दैट इज नॉट फॉर कोरोना वायरस, दैट फॉर नोवल कोरोना वायरस जो नया वर्जन है उसके लिए कोई फ्लू कोई वैक्सीन आया नहीं है अभी. सो देर इज नो वे कि आप फ्लू शॉट ले लोगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा. दैट इज अ रॉन्ग थिंग. उसकी वैक्सीन जब बनेगी, टेस्ट होगी, डेवलप होगी, तब आएगी. तब तक हो सकता है वायरस ही चेंज हो जाए कोरोना वायरस. जी हाँ. सो यू कैन स्टिल यू नो यू कैन स्टिल हैव कोरोना वायरस इन्फेक्शन आफ्टर टेकिंग अ फ्लू शॉट. दैट डज नॉट मीन यू शुड नॉट टेक अ फ्लू शॉट. फ्लू शॉट लेना है, हर साल लेना अपना, स्वाइन फ्लू और दूसरे डिफरेंट बहुत जो रेगुलर आते हैं उस टाइप के वायरसेस के लिए. सो मास्क इज ओके बट यू विल नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. यू विल नीड टू वॉश योर हैंड, यूज हैंड सैनिटाइजर, स्टे एट होम वेन यू आर सिक, क्लीन योर हैंड रेल्स, डोर नॉब्स एंड टॉयज रेगुलरली राइट. कवर योर नोज एंड माउथ वेन यू आर स्नीजिंग, टिश्यू से कवर करो, छींक रहे हो, खाँच रहे हो. द अवॉइड टचिंग योर आईज, फेस, नोज, माउथ, अवॉइड टचिंग देम, अवॉइड शेयरिंग योर थिंग्स टू अदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये सारे बेसिक सब आपको ये करना है. सो कोरोना वायरस इज नॉट अ न्यू वायरस एंड देर आर सो मैनी मिथ्स अराउंड दिस, रिमेंबर दैट राइट. सो और एक इंपॉर्टेंट व्यू है कि ये बैट सूप से हो रहा है. बहुत सारे लोग फोटोज भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं कि सर ये किसी ने बैट सूप पी लिया था, बैट का, चमगादड़ों का, इस वजह से कोरोना वायरस हो गया है. नहीं, ये वहां से नहीं आया है. ऑल्दो दैट इज अ डिफरेंट कल्चर, लोगों का उल्टा सीधा कल्चर जो भी है, दैट इज नॉट आवर टेक कि हम उनको बोलेंगे वो गलत है तो गलत है, वो अलग है. लेकिन वो बैट सूप से नहीं आया है, ना कि कोई चाइनीज लोगों में ही हो रहा है. कई लोग चाइनीज लोगों को बॉयकॉट कर दो, चाइनीज एरिया में मत जाओ, ऐसी चीजें कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, चाइनीज एरिया में वो रह एक जगह रह नहीं सकता. वो फ्लू वायरस, ये वायरस एक जगह से फैलेगा ही फैलेगा. इसीलिए इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन दिस काइंड ऑफ अ थिंग. इसीलिए ये इतना हैवी लेवल पे, ऑल इंटरनेशनल लेवल पे अलर्ट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है कि ये फैल ना जाए. फैलेगा तो इवन इफ द डेथ रेट इज 2% और 0.2%, तो भी कितने सारे लोग हैं, बिलियंस ऑफ पीपल, उसमें से 0.2% इज अ सिग्निफिकेंट नंबर जो हो जाए. फिर देर आर प्रॉब्लम्स. कोरोना वायरस क्या आपके पेट को हो सकता है इन्फेक्शन? अभी तक ऐसा कोई पेट जानवरों को हो सकता है क्या आपसे? ऐसा कोई एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी हो सकता है. सो रिमेंबर दैट. फिर यंग पीपल और ओल्डर पीपल आर मोर सक्सेप्टेबल टू दिस. सो यंग और ओल्डर पीपल को और ज्यादा ध्यान देना है. और कोई भी प्रकार की दवा, किसी प्रकार का एंटीबायोटिक इसके खिलाफ काम नहीं करता. ये मत सोचना कि मैं एजिथ्रोमाइसिन खा लूंगा और ये खा लूंगा वो खा लूंगा मेरा गला ठीक हो जाएगा. एब्सोल्युटली रबिश राइट. डोंट इवन थिंक अबाउट इट. देर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर कोरोना वायरस और एनीथिंग. वायरस के खिलाफ कुछ विटामिन्स काम करते हैं बस,
कोई ब्लीच काम नहीं करता, इवन ये सुनने में आया कैन ब्लीच क्योर कोरोना वायरस, नो, देर आर अगेन गलत कंस्पिरेसी थ्योरी लोगों की उल्टी सीधी, ये ब्लीच से ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो रहा है ये ब्लीच से या किसी और चीज से, राइट? सो देर आर सम विटामिन, विटामिन सी, जिंक, जिंक, विटामिन सी, यू नीड बी विटामिन, यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर, ये चीजें आपके अंदर होती है तो ये विटामिन वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करने में या आपकी शरीर को फाइट करने में मदद करते हैं. यू नीड देम, यू नीड विटामिन सी, लेना है तो विटामिन सी की टैबलेट ले लो या फ्रूट खा लो, पानी, पानी पियो जोरदार तरीके से, वो कर सकते हो आप, राइट? फ्रूट्स खा लो विटामिन सी वाले, सिट्रस फ्रूट्स, और जिंक, यू नीड जिंक, यू नीड दीज काइंड ऑफ अ थिंग, नॉट एनी जिंक को ओवरडोज कर लो, जिंक इज माइक्रो माइक्रो ट्रेस एलिमेंट, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए. सो एक मल्टीविटामिन खा सकते हो, जिंकोविट, दैट इज इनफ, बस रेगुलर बेसिस पे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी बॉडी में क्या कमी है, यूज योर ब्रेन्स, नॉट जस्ट कि सुन लिया और ओके उसने बोल दिया ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है. डोंट बी अ फूल, कोरोना वायरस इज एक्चुअली नॉट दैट डेंजरस, बट येस इट इज अ न्यू वायरस, नई चीज से डर ही लगता है इंसान को, उसका डेथ रेट इतना नहीं है. देर इज अ गुड चांस, 80 to 90% चांस कि आपको वायरस आपके अंदर जाने के बावजूद आपको कुछ नहीं हुआ. द सेम द चांस जितना ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का होता है, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया भी अंदर जाता है तो भी आपकी, ज्यादातर लोगों के अंदर जा चुका है इंडिया के अंदर, लेकिन वो हम मार देते हैं उसको, कुछ ही लोगों में वो रह जाता है और आगे चल के तंग करता है. सो वर्क ऑन योर हेल्थ, बी हेल्दी, दैट्स अबाउट कोरोना वायरस विच यू नीड टू नो.